हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएलपी एंड टेक्नीशियन सीबीटी सेकंड की आंसर की के बारे में, जो कि काफ़ी लंबे इंतजार के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी गई है। और आपको इसे किस प्रकार से डाउनलोड करना है और अपने आंसर को किस प्रकार से मिलान करना है, आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बगल में बनकर आए घंटी के आइकन पर क्लिक कर लेना, ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी के अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और वीडियो अच्छी लगने पर लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर आपको सभी जोन के जो नेम है वो देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर अपना जोन सेलेक्ट कर लेना है, और जोन सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा नीचे जाइएगा। यहाँ पर आपको CEN 1 2018 के अंदर जाना है। तो हम देख लेते हैं, ये रहा CEN 1 2018 असिस्टेंट लोको पायलट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नया ऑप्शन आया था, 16 फरवरी को ही ऑप्शन आ गया था, लेकिन यहाँ पर आंसर की डाउनलोड नहीं हो पा रही थी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्लिक कर रहे थे तो वेबसाइट बिल्कुल भी ओपन नहीं हो रही थी। लेकिन अब वेबसाइट आसानी से ओपन हो रही है। तो आपको ये जो सेकेंड वाला ऑप्शन है, क्लिक हियर टू व्यू क्वेश्चन पेपर रेस्पॉन्स की एंड रेज ऑब्जेक्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, एक नया पेज ओपन होगा। आपको इसमें नीचे नीचे जाना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ डाल के आपको यहाँ पर लॉगिन कर देना है। तो चलिए मैं आपको सिंपली लॉगिन करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑल का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे, कैंडिडेट रिस्पॉन्स, ऑब्जेक्शन और आपको पेमेंट का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट रिस्पॉन्स का ऑप्शन दिखाई दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट रिस्पॉन्स का ऑप्शन जो है उसे चूज कर लेना है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखिए, क्लिक हेयर टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर एंड रिस्पॉन्स। तो हेयर पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी आंसर की जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरे आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, पार्ट ए और पार्ट बी के। यहाँ पर आपको अपने क्वेश्चन आंसर का मिलान कर लेना है। आपको इसका मिलान इस प्रकार से करना है कि जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट आंसर राइट है और आपने क्या चूज की है, फर्स्ट, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया बिल्कुल सही। और सेकंड में देखिए, राइट आंसर है फर्स्ट, लेकिन आपने यहाँ पर चूज किया है फोर्थ, तो ये आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपने यहाँ पर किसी क्वेश्चन का आंसर छोड़ा होगा, उसे नहीं किया होगा, तो आपको यहाँ पर डैश डैश देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आप अपने आंसर्स को चेक कर लीजिए और फिर कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं पार्ट ए और पार्ट बी में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको जानकारी समझ में आ पाई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के आइकन को ऑन कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाले लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी के अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।